एक बड़ी खबर, आचार संहिता लगने के बाद बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर की गई। दरअसल एक व्यापारी से 50 किलो चांदी और 7 ग्राम सोना जब्त किया गया। व्यापारी के पास इस सोने और चांदी का कोई बिल नहीं था, कोई वैध दस्तावेज नहीं था। इंदौर के एक बड़े सराफा व्यापारी अशोक उत्तम राव, कार्रवाई के बाद उनका बयान आया, महाराष्ट्र के शेरपुर में बेचने के लिए सोना और चांदी वो लेकर जा रहे थे और इस दौरान उन्हें पकड़ लिया गया। इंदौर के बड़े सराफा व्यापारी हैं और आचार संहिता लगने के बाद क्योंकि सघन जांच चल रही है और आपको याद होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात को स्पष्ट किया था कि विशेष जो कार्गो विमान हैं और उसके अलावा जो सीमाएँ हैं उन पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई है ताकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, प्रभावित करने के लिए कोई कदम ऐसा न उठाया जा सके। और हरदा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, युवती की आत्महत्या के मामले में एक्शन लिया गया। आरोपी साजिद अंसारी के घर पर